और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत का ये वो इशारा भी यहां पर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक तौर पर उनका स्वागत यहां पर किया गया। जब वो यहाँ की तरफ आ रहे थे, अंदर कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, इस बीच उन्होंने वहाँ मौजूद जो छठ पूजा की वेशभूषा में मौजूद महिलाएं थी उनसे बातचीत यहाँ पर की और दीप प्रज्वलित इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर रहे हैं। तो दीप प्रज्वलन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बैठक होगी और इस बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा होगी, तमाम समीक्षा होगी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीन उपाध्याय की प्रतिमा के आगे, उनकी फोटो के आगे देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दीप प्रज्वलित यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंच रही हैं, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और अब फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां पर दीप प्रज्वलित वो कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी जब हाइब्रिड तरीके से ये पूरी बैठक जो है नजर आएगी जिनमें तमाम अहम मुद्दों को लेकर समीक्षा होगी। लेकिन दीप प्रज्वलित की ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर, उनकी प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब हमने आपको दिखाया था तब दीप प्रज्वलन यहाँ पर दीप जलाते हुए, उसे प्रज्वलित करते हुए जेपी नड्डा भी नजर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए सीधी आपके सामने है। कुछ देर पहले जब वो यहां पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे अंदर की तरफ रुख नहीं किया बल्कि बाहर जिस तरह से पारंपरिक तौर पर यहां पर महिलाएं वेशभूषा में मौजूद थी क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर जाहिर सी बात है छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी और छठ पूजा की वेशभूषा में यहां पर महिलाएं मौजूद थी और अंदर की तरफ जाते वक्त भी पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की थी, मुस्कुराते हुए उनके अभिनंदन को स्वीकार भी यहां पर किया था। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या माना जाए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित यहां पर कर रहे हैं, अब कितने देर में ये पूरी बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, आपसे थोड़ी देर में बैठक यहां पर शुरू होगी सबीना, और मेरे पीछे आप ये संगीत के गाना सुन सकते हैं, इन महिलाओं को आप सबीना देख सकती हैं, ये महिलाएं हैं छठ पूजा परिधान में ये महिलाएं हैं और इनके साथ पीएम मोदी ने वक्त व्यतीत किया था। सबसे पहले खूबसूरत ये गाना ये जो महिलाएं गा रही हैं छठ मैया की पूजा में उनकी पर्व जिनके साथ पीएम ने वक्त बिताया था, हम इनके पूछे गाना सुनते हैं। क्या गाना गा रही है? हम लोग छठ पूजा का गाना गा रहे थे, बस के दहनिया मंगी लचक जाए बहंगी लचक जाए कही पूछ ले बाटोहिया बहंगी के कारा के जा बहंगी के कारा के जा तू तो अमित हमें तस्वीर यहां पर बाहर के दिखा रहे थे, अब अंदर की तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो केंद्रीय मंत्री रहे जो यहां पर पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। सबसे पहले बाहर जिस तरह से उनका मुस्कुराते हुए शानदार तरीके से स्वागत किया गया, वहाँ मौजूद छठ वेशभूषा में जो महिलाएँ मौजूद थी उनसे बातचीत करते हुए वो अंदर भी गए, अवलोकन भी उन्होंने उस पूरी प्रदर्शनी का किया जो कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर लगाई गई है, बेहद बारीकी से वो देखते हुए नजर आए। फिर दीप प्रज्वलित भी उनकी तरफ से किया गया और अब मंच पर तमाम दिग्गजों के साथ इस वक्त वो मौजूद हैं क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है, हालांकि हाइब्रिड तरीके से सेमी वर्चुअल तरीके से ये पूरी बैठक यहां पर हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर बाहर भी किया गया जब वो यहां पर पहुंचे और इस वक्त मंच की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से साल 2014 में मोदी लहर के जरिए देश की सत्ता पर काबिज हुए, मोदी मंत्र के जरिए बीजेपी लगातार अपने दायरे को फैलाती गई, प्रचंड जीत हासिल करती गई और लगातार 2014 से अब तक बीजेपी का ये दायरा पीएम मोदी के मोदी मंत्र के जरिए बढ़ता चला गया। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, 2014 से बीजेपी का दायरा लगातार बढ़ता रहा, हालांकि कुछ राज्यों के चुनावों के जो नतीजे थे भले ही मन मुताबिक ना आए हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी लहर ने सबका साथ सबका विश्वास इस कदर जीता कि एक प्रयास का बड़ा नतीजा रहा।
किस तरह से आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी तस्वीर यहाँ पर नजर आने वाली है, जिसमें वो प्रयास नजर आएगा फिर से एकजुट करने की उसी मुहिम का। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या कहें कि बीजेपी की रणनीति यही रही है कि जो सर्वधर्म स्वभाव का जो रहता है एक नारा, जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा है, वो पूरी कार्यकारिणी के दौरान बीजेपी के जितने भी इवेंट्स कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वो उसमें दिखाई दे। और एक सबसे बड़ा मैसेज आज बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है, जो लगातार छठ पूजा को लेकर जो राजनीतिक विवाद हो रहा था उसको अनुमति दी जाए या ना दी जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार एक कोशिश कर रही थी माहौल बनाने की, वो आज यहाँ पर दिखाई दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगर देखें, जिसकी रणनीति यहाँ पर बनेगी, जिसका मंत्र यहाँ पर बनेगा, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही कार्यकारिणी की मीटिंग में आगाज कर दिया है और एक मैसेज दे दिया है छठ पूजा को लेकर, क्योंकि छठ पूजा आज पूरे देश भर में मनाई जाती है। जो छठ मैया का जो व्रत रखते हैं, जो व्रती हैं, वो पूरे देश भर में बड़ी संख्या में मौजूद है, खासकर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इनको देखा जा सकता है, जहां पर जो पूजा व्रत रखते हैं, वहीं उत्तराखंड, गोवा और पंजाब इससे अछूते नहीं है। यानी कि एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने जब आए और यहाँ पर पूरी पारंपरिक वेशभूषा में जो छठी मैया का व्रत रखने वाली जो व्रती महिलाएं उनके बीच में गए, उनको नमस्ते किया, उनसे हल्की फुल्की बातचीत भी की, यानी कि एक मैसेज आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, यानी कि चुनावी रणनीति का आगाज, कि बीजेपी की दिशा चुनाव में, चुनावी मैदान में किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसका आज एक छोटा सा संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। और इसे एक बड़ा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है, क्योंकि एक विवाद, राजनीतिक विवाद लगातार था और अब प्रधानमंत्री मोदी अंदर चले गए हैं, जहां पर कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो शुभारंभ है, जो भाषण होगा वो होगा, और बीजेपी किस तरह से काम कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, किस तरह से कोरोना संकट में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, पूरे विश्व में किस तरह से मोदी की लोकप्रियता रही है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाएगी। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जो आपने देखी भी होगी, प्रधानमंत्री मोदी का जो बड़ा कटआउट है, जो अभी ग्लोबल लीडरशिप में जो सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, वो इस जो ये होर्डिंग उसको दिखाता है कि विश्व में क्यों आखिरकार मोदी को पसंद किया गया है, क्यों कोरोना काल में मोदी एक दिन भी, एक पल भी आराम से नहीं बैठे। और उसका अब रणनीति यही रहेगी कि उस चेहरे को, उस लोकप्रियता को इन चुनावों में भी बुनाया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भले ही कोरोना काल के दौरान विपक्ष के जरिए तमाम हमलावर रुख अख्तियार करता हुआ जो ये पूरा मंजर नजर आया, तमाम जो ये चुनौतियां थी, फिर भी पीएम मोदी ने मोदी मंत्र के जरिए उनसे पार पाया। ना सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर सामने आई, बल्कि पड़ोसी देशों को भी हमने वक्त पर, जरूरत के वक्त पर वैक्सीनेशन मुहैया करवाया। और लगातार हम आप तक अंदर की तस्वीरें यहां पर पहुंचा रहे हैं, हालांकि और अंदर की तरफ यहां पर गए हैं, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि शुरू हो जाएगी, जेपी नड्डा के भाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। लेकिन ये जो बीच का वक्त रहने वाला है, वो समीक्षा के लिहाज से, वो प्रस्ताव पारित करने के लिहाज से, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिहाज से, मोदी मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिहाज से और सबका साथ सबके विकास के एजेंडे को आगे मजबूती देते हुए सबका प्रयास करने के लिहाज से बेहद खास है। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, मंच की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई है, जो लगातार आप तक दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है, साथ ही राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल भी मौजूद है और बाकी सामने तमाम दिग्गज मंत्रियों का जो जमावड़ा है वो इस वक्त यहां पर है, हुजूम यहां पर है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कार्यकारिणी के जो कुछ सदस्य हैं और साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल वर्चुअल तरीके से, हाइब्रिड तरीके से यहां पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिसकी पूरी तैयारियां विस्तार से लार्ज स्केल पर कर ली गई है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये एक बड़ी बैठक यहां पर हो रही है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और मोदी मंत्र को यहां पर सबसे ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले जब साल 2014 में मोदी की ये पूरी लहर यहां पर सामने आई थी, तब देखा था कि किस तरह से बड़ा सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ और उसे बरकरार रखते हुए फिर एक बार सत्ता पर काबिज हुए। चुनौतियां अलग हैं, हिंदुस्तान ने
पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के इस दौर को झेला है और अब टीकाकरण की ये पूरी तस्वीर भी प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए नजर आए थे। फिर मंच की तरफ यहाँ पर बड़े दीप प्रज्वलित उनके जरिए किया गया और साथ ही मंच की तस्वीर भी हमने आप तक यहाँ पर पहुँचाई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा भी बेहद खास इस वक्त में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद में इस दौरान में अब उनकी अध्यक्षता में ये पहली प्रत्यक्ष बैठक जो है वो इस वक्त हो रही है। प्रत्यक्ष बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो 6-6 महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर होती थी वो फिलहाल नहीं हो पाई इस लार्ज स्केल पर, इस बड़े स्तर पर, जहाँ से एक बड़ा महासंदेश दिया जा सके। लेकिन एक बार फिर ये मौका यहाँ पर बीजेपी ले रही है, वो जानती है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है जिसे लेकर यहाँ पर फीडबैक भी यहाँ पर लिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें कि तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, हालांकि बीजेपी प्रदेश शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन इसकी अहमियत आप समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जानते हैं कि फीडबैक तो यहाँ पर राज्य का देना ही देना है, लेकिन किस तरह से इस कोरोना काल में राज्य ने अपनी एक भूमिका निभाई है वो भी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस पहुँचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्रियां भी मंत्री जो है आपके सामने मौजूद है, निर्मला सीतारमण भी पहुंची हुई है, जितेंद्र सिंह भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और देखिए हर तस्वीर हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहां पर सभी मौजूद हैं अमूमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए, यतेंद्र क्या कुछ यहां पर कहा जाएगा अब जब ये पूरी बैठक शुरू होगी जिसकी शुरुआत यहां पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता से शुरू होते हुए, उनके भाषण से शुरू होते हुए नजर आएगी, क्या नजर आएगा उनके उन शब्दों में क्योंकि कोरोना महामारी के बाद में पहली बार उनकी अध्यक्षता में ये प्रत्यक्ष बैठक हो रही है। देखिए बिल्कुल कोरोना महामारी के बाद ये बैठक हो रही है, हालांकि पूरी तरह से बैठक नहीं कह सकते क्योंकि सेमी वर्चुअल इसको कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेता जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, वो अपने अपने केंद्रों से जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं विष्णु मित्तल जी। विष्णु जी, क्या माना जाए इस बैठक में आते प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्यों की जो रणनीति है, छठ पूजा करने वाली महिलाएं उनसे मिलकर मैसेज दे दिए? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आज उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और छठ पूजा के लिए जो महिलाएं यहाँ पे उनका स्वागत करने आई थी स्पेशली उधर से आके उनसे मिले, तो अपने आप में एक मैसेज है कि बहुत बड़ा छठ पूजा का भी इस देश के लिए बहुत महत्व है। तो क्या जो मीटिंग होगी आज पूरे दिन भर ये मीटिंग चलेगी, प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा, तो क्या दशा और दिशा किस तरह से तय करेंगे? आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, तो इस बैठक में उन आने वाले चुनावों के लिए भी रणनीति बनेगी। और अभी आपने देखा होगा कि भारत ने 100 करोड़ का एक कोरोना का आंकड़ा भी वैक्सीन का एक अचीव किया है, तो उसके बारे में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश इस बैठक से जाएगा और 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी। जी, आप व्यवस्थाओं से भी यहाँ की देख रहे हैं पूरे दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, क्या आज की बैठक की अगर बात करें किस तरह की तैयारियां, क्या खास क्या रहा है और पूरे दिन भर क्या रहेगा? देखिए पूरे दिन भर तो विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी जो अलग अलग सेशंस बनाए हैं और लगभग 3 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद 4:30 बजे पदाधिकारियों की अलग से बैठक होगी, बीच में लंच भी होगा और तैयारियां हम 2-3 दिन से इन तैयारियों में लगे हैं और हमने कोशिश की है कि एक अच्छा मैसेज, सभी तरीके का मैसेज इस बैठक के द्वारा दें। एक एग्जीबिशन भी हमने लगाई और उस पर भी हमने शो किया कि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से सेवा और समर्पण में भाजपा ने काम किया उसको भी हमने शो किया और कोरोना के बारे में भी आगे देश में दोबारा इस तरीके की दोबारा ना फैले उसके बारे में बात हो। चलिए आप देख सकते हैं विष्णु मित्तल हैं दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष जो कह रहे हैं कि काफी तैयारियां कोरोना संकट को लेकर की गई, एग्जीबिशन मनाई गई है और जब बैठक खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण से दिशा तो तय होगी, लेकिन इसके बाद उसको किस तरह से अमल में लाया जाए जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे उसको लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक अलग से बैठक शाम को 4:30 बजे यहीं पर होगी। The cat sat on the mat.
तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी बातचीत के दौरान ये बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से शुरू होने के बाद ये बैठक एक एक पड़ाव को पार करती हुई आगे जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ, उनके भाषण के साथ इसका समापन होगा। लेकिन महज ये बैठक नहीं है, इसमें बीजेपी की रणनीति, दशा दिशा, राज्यों से फीडबैक लेना और साथ ही जिन प्रस्तावों का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित किया जाएगा। देश ने जिस तरह से कोरोना महामारी को झेला और उसके बावजूद वैक्सीनेशन को लेकर घर घर जन जन तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया अभियान को रफ्तार देते हुए 100 करोड़ का अविस्मरणीय आंकड़ा जो यहां पर छुआ वक्त रहते हुए, उसे लेकर और साथ ही जो नियम यहां पर, कायदे जो यहां पर दिन चुनौतियों को पार करते हुए जन जन तक यहां पर सुविधाएं पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश यहां पर की गई, इसमें कामयाबी भी हासिल हुई, इन तमाम मुद्दों को शामिल करते हुए, इन तमाम आंकड़ों को शामिल करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव भी यहां पर सामने आएगा। और इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव का जिक्र करें, आर्थिक प्रस्ताव का जिक्र करें और विदेश नीति के मसलों पर भी एक प्रस्ताव यहां पर पारित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विदेश यात्रा भी पिछले कुछ वक्त में की है और इस दौरान जो हिंदुस्तान के रिश्तों के साथ एक मजबूती आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर देखने को मिली है, उसका भी जिक्र यहां पर किया जाएगा। जीएसटी का भी जिक्र यहां पर देखे किया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी इसे मोदी सरकार अपनी कामयाबी बताती रही है, खासतौर से ऐसे वक्त में जबकि आर्थिक ढांचा जो है वो कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ नजर आया कोरोना काल में, लेकिन फिर से उसे ढर्रे पर लाया गया, फिर से उसे सुचारू रूप से चलाया गया, क्योंकि जन जन तक सुविधाएं पहुंचाना, जन जन तक खाने पीने की सुविधाओं को पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, ये पिछले 2 साल में सबसे बड़ी चुनौतियों में शुमार रहा और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी ने निभाते हुए एक कदम दर कदम वो आगे लगातार बढ़ते रहे। ये तमाम जो मुद्दे जिनका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरों के तौर पर इस वक्त नजर यहां पर आएंगे, चाहे वो विदेश नीति के मसले हों, चाहे वो राजनीतिक मसले हों या फिर आर्थिक तौर पर उछाल हो, क्योंकि आर्थिक ढर्रे से हटना और फिर आर्थिक ढर्रे पर दोबारा से आना, एक उछाल के तौर पर आना, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन यहां पर जिस तरह से सामने आया और जिस तरह से मोदी सरकार ने इसे अपनी कामयाबी के तौर पर भी रखा, उसे लेकर भी यहां पर तस्वीर बनती हुई नजर आती है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसका जिक्र हम शुरू से लेकर कर रहे हैं वो आखिर तक रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, ये 5 राज्य अपनी सीटों के लिहाज से, अपनी सियासत के लिहाज से बेहद खास है। पंजाब में भले ही बीजेपी सत्ता पर नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति इसी के तहत होगी।